मैरो जो है वो तो आरबीसी और प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि जितनी कमी जितने ज्यादा बोन मैरो आरबीसी प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन उतने ही सिकल सेल अगर आरबीसी भर रहे हैं तो वो जल्दी से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सिकल सेल एनीमिया में क्या सिम्टम्स होंगे? तो उसके सिम्टम्स हैं फैटीग एंड एनीमिया, यानी कि थकावट और खून की कमी होती जाएगी, आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द होता जाएगा, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, हाथों और पाओं की सूजन होगी, ये भी आर्थराइटिस की में का कॉज है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यून सिस्टम ऐसे पेशेंट्स का बहुत ज्यादा लो हो चुका होता है जिसकी वजह से वो जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मतलब कैच कर लेते हैं। डिलेड ग्रोथ, ग्रोथ उनमें बहुत स्लो होगी, विजन प्रॉब्लम, देखने का भी प्रॉब्लम होगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, कि कौन सी चेन में प्रॉब्लम आती है और क्या फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं आपके साथ जल्दी से डिस्कस करूंगी कि लैब डायग्नोसिस क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रैक्टिकल, जिस कौन सा प्रैक्टिकल है वो सिकल सेल सॉलिबिलिटी टेस्ट हम उसे बोलते हैं। लैब डायग्नोसिस में आप क्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन मोस्टली ऐसे पेशेंट की 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, रेटिक्यूलोसाइट भी हाई होगा क्योंकि बोन मैरो बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल जो है वो बना के बॉडी में भेजेगा, जिसकी वजह से इमेच्योर रेड सेल्स जो है वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है इमेच्योर रेड ब्लड सेल की फॉर्म जो है वो रेटिक्यूलोसाइट काउंट होती है, तो रेटिक्यूलोसाइट काउंट जो है वो भी ज्यादा होगा। ब्लड फिल्म में आप क्या देखेंगे? सिकल सेल शेप आरबीसी तो देखेंगे ही, उसके अलावा आप टारगेट सेल्स और होवल जेली बॉडीज भी देखेंगे। सिकल सेल सॉलिबिलिटी टेस्ट जो है वो आप देखेंगे, वो पॉजिटिव होगा और वो टर्बिड होगा, जो कि अभी मैं आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करूंगी इस डायग्नोसिस के बाद, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जो है उसमें हीमोग्लोबिन एस जो ग्राफ है वो हाई होगा। और जिनेटिक टेस्टिंग के आगे मैंने रेयर लिखा है, क्योंकि ये अपने इन जनरल टेस्ट से ही सिकल सेल जो है वो कंफर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जिनेटिक टेस्टिंग जो है वो बहुत ही रेयर केस में कराने की जरूरत पड़ती है। अगर बहुत ही रिसेसिव टाइप ऑर्डर आपको नजर आ रहा है पेशेंट का, तो उस सूरत में जिनेटिक टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, वरना नॉर्मली इन तमाम टेस्ट से ही कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को सिकल सेल डिजीज है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सिकल सेल सॉलिबिलिटी टेस्ट जो है वो हम लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं। शेयर करूंगी कि सिकलिंग टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ये क्वालिटेटिव टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें सिर्फ हम पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एटलस मेडिकल की किट सिकल सेल टेस्ट। इसके अंदर दो तरह के रिएजेंट मौजूद हैं, ये है रिएजेंट ए और ये है रिएजेंट बी। ये रिएजेंट बी लिखा है। रिएजेंट बी को ये पाउडर फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में, तो रिएजेंट बी को मैं रिएजेंट ए के अंदर पाउर करूंगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट्स तक छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स जो है वो गुड टाइम है मिक्सिंग के लिए। और ये है हीमोग्लोबिन सिकल सेल कंट्रोल, ये पॉजिटिव कंट्रोल और ये है नेगेटिव कंट्रोल। जैसे ही ये रिएजेंट हम लोग का रेडी होगा, तो हम 2 ml जो है वो ग्लास ट्यूब्स में लेंगे और उसके बाद जो है 20 माइक्रोलीटर ईच कंट्रोल और पेशेंट के सैंपल को, EDTA ब्लड इसके लिए हमें चाहिए,
प्रॉपर मिक्स ईडीटीए सैंपल को हम उस रिएजेंट में मिक्स करेंगे और 5 मिनट्स के बाद अपना रिजल्ट नोट डाउन करेंगे। तो और सब इस रिएजेंट को जब जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी जो है वो 15 डेज तक होती है। ये रिएजेंट ए को मैंने ओपन किया है और ये रिएजेंट बी को मैं इसके अंदर पाउर करूँगी। ये अच्छी तरह एम्प्टी हो गई है। इसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगी। और इसको हम ऐसे 8 पोजीशन में मूव करते हुए मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इस पर आज की डेट भी डाल दूंगी ताकि मुझे याद रहे कि स्टेबिलिटी 15 डेज है। और अब हम 15 मिनट तक इसको मिक्स होने के लिए छोड़ देते हैं। रेडी हो गया है। नेगेटिव कंट्रोल ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने सिर्फ पॉजिटिव कंट्रोल और पेशेंट के सैंपल को मिक्स करके बताऊंगी कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये पॉजिटिव सैंपल है इसलिए मैंने इसको प्लस से लेबल किया है और ये पेशेंट का सैंपल है तो PTM लिखा है। अब हम ये रिएजेंट ऑलरेडी रेडी है, ये पॉजिटिव कंट्रोल है और ये पेशेंट का सैंपल है। तो अब हम ऐड करेंगे 2 ml या 2000 माइक्रोलीटर रिएजेंट इन दोनों ट्यूब्स में। 2 ml इसमें, 2 ml इसमें। ये मैंने 1 ml पे सेट की हुई है 1000 माइक्रोलीटर। तो अब मैं लूँगी 2 ml, सॉरी 1 ml। पहले मैं ये बबल नहीं आना चाहिए इसलिए मैं रिपीट करूँगी अपनी पिपेटिंग को स्लोली स्लोली मूव करते हुए। देखें अब कोई बबल नहीं है इसलिए 1 ml और 2 ml। इसी तरह पेशेंट के सैंपल के लिए भी 1 ml और ये हो गया 2 ml। और इस टिप को मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अब मुझे चाहिए पेशेंट कंट्रोल के लिए 20 माइक्रोलीटर। तो मैंने ऑलरेडी 20 माइक्रोलीटर पे सेट की है। तो अच्छी तरह मिक्स करते हुए पॉजिटिव कंट्रोल में से मैंने लिया 20 माइक्रोलीटर और इस ट्यूब में अच्छी तरह मिक्स करना है। और इस टिप को मैं डिस्कार्ड करूँगी और इस तरह आप एक दफ़ा हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। और इस पॉजिटिव सैंपल में आप थोड़ी टर्बिडिटी देखेंगे जबकि नेगेटिव सैंपल जो है वो क्लियर होगा। और अब मैं लूँगी पेशेंट का सैंपल 20 माइक्रोलीटर और इसी तरह पेशेंट की ट्यूब में मिक्स करूंगी। और इसी तरह मैं इसको मिक्स करूंगी और हम 5 मिनट्स के बाद जो है अपना रिजल्ट रीड करेंगे। रीड करने के लिए आप लोग इस तरह एक पेपर पे टेबल ड्रॉ करें क्योंकि इन लाइंस को हम बैकग्राउंड में देखेंगे कि ये हमें अगर नज़र आ जाएंगी तो इसका मतलब है नेगेटिव, अगर नज़र नहीं आती तो इसका मतलब पॉजिटिव। और आपने तकरीबन 1 cm डिस्टेंस रख के देखना है। तो अब 5 मिनट्स के बाद ये था नेगेटिव कंट्रोल। तो अगर आप देखें तो आप लाइंस को देख सकते हैं, इजीली विजिबल है। तो ये नेगेटिव कंट्रोल है। पॉजिटिव कंट्रोल आप देखें 1 cm के डिफरेंस से आपको कोई लाइन नज़र
नहीं आ रही है, तो ये है पॉजिटिव कंट्रोल। और पेशेंट के सैंपल को अगर आप देखें तो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है पेशेंट का टेस्ट जो है वो सिकल टेस्ट नेगेटिव होगा और हम नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह आप जो है वो देखेंगे रिजल्ट अपना सिकलिंग का, इजीली आप देख सकते हैं। दोबारा आप देख लें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आपको लाइंस व्यू नहीं होंगी। और ये है पेशेंट का, जबकि पेशेंट के सैंपल में आपको लाइंस व्यू हो रही हैं। तो इस तरह हम करते हैं सिकल टेस्ट लैब में परफॉर्म।